वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टेक्नोजॉब राजस्थान। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए जो है एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला और बहुत बड़ी भर्ती है जो है आपके मध्य प्रदेश से आई हुई और परमानेंट वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों, जिसको भी पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए जो है यहाँ पर जेल पहरे की वैकेंसीज आई हुई है और आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है आपके 27/7 से चालू हो चुकी है, ठीक है। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है आपके 10/8/2020 है, ठीक है। आवेदन पत्र में संशोधन आपको करना तो उसकी अंतिम तिथि आपके 15/8/2020 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है सारी वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले जिसने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सीधी भर्ती है, ठीक है, या संविदा पदों हेतु दिया हुआ है लेकिन परमानेंट आपका ये वैकेंसीज आया हुआ है। और परीक्षा शुल्क जो है आपका अनारक्षित जो कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं उनके 500 रुपये और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में जो आते हैं उनके 250 रुपये शुल्क लिया जाएगा। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए जो है कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन जो है आप क्यूएस के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क ₹60 दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹20 दे होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा पारी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आपका जो है 3 या 10 नवंबर 2020 को आपको है जो है यहाँ पर आपको एग्जाम होगी प्रथम एंड द्वितीय पारी में। तो प्रथम पारी का जो समय है आपका रिपोर्टिंग का 7 से 8 दे रखा है इन्होंने, और द्वितीय पारी जो होगा दोपहर के 12 से 1 बजे का रिपोर्टिंग का टाइमिंग दे रखा है इन्होंने। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो है आपके 8:30 से 8:50 जो है 9 बजे तक का है, 10 मिनट आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का। और जो द्वितीय पारी की उसमें आपको 1:50 से 2 बजे तक मतलब 10 मिनट का दोनों में जो है महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा। उत्तर अंकित का समय जो है आपका 9 से 12 और इधर 2 से 5 मतलब 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देखिए 282 आपको दिख रही है, ठीक है। तो 282 वैकेंसी आई हुई और कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखी है अनारक्षित EWS अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो सभी की यहाँ पर जो है डिवाइड की हुई है और जो है आपके बैकलॉग सीधी भर्ती जेल पहरी कार्यपालिका सेवा कर्मचारी के लिए जो है 20% आरक्षित है, जिसमें कुल सीटें आपकी जो है 56 है। शारीरिक मापदंड आप यहाँ पर देख लीजिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो मोस्ट पॉपुलर इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।